मेरा नाम इप्सा पाठक हुआ। क्या इस राखी में क्या खास बना रही हैं आप? इस राखी में ये खास बात है कि ये राखी कम्प्लीटली जो होममेड राखी हैंडमेड राखी है, इसमें कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल या कोई भी मतलब ये ऑर्गेनिक चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसमें कहीं भी कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये हाथ से बनी हुई राखियाँ हैं और हाथ से इसकी मिथिला पेंटिंग हुई है जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। कैसे आइडिया आया कि आपको हैंडमेड राखी बनाना है? कहीं देखा था आपने या फिर आइडिया कैसे आया? ये हैंडमेड राखियों का आइडिया इस वजह से आया क्योंकि क्या है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों से उसमें एक अपनापन झलकता है और उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। तो अभी कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ हैंडमेड राखियाँ बना रही हैं? लगभग 25 से 30 महिलाएं। 25 से 30 महिलाएं जो हैंडमेड राखियाँ बना रही हैं। और कितना समय लगता है एक राखी को तैयार करने में और कैसा रिस्पॉन्स है इस बार मार्केट में? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और एक दिन में आप कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ 25 से 50 राखियाँ एक दिन में तैयार हो जाती हैं। 50 राखियाँ एक दिन में तैयार होती है। किस कीमत से यह राखी शुरू है? ये राखी आपको 40 रुपये से लेकर और आपको 150-200 रुपये तक की राखी। 40 रुपये से 150। कुछ राखियाँ हम आपको दिखाएंगे, आप बताइएगा मैम ये कौन सी राखी है, कैसे तैयार हुई है, कुछ राखियों के बारे में बताइए। ये देखिए ये जो राखी है इसमें जो बीड्स लगे हैं इसमें कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सब आपको जो ये जो रुद्राक्ष के बगल का बीड्स है ये क्या है? ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस और एमसिल से बना हुआ है और बीच में रुद्राक्ष बने हैं लगे हैं और ये भी एमसिल से बना हुआ है। और ये देखिए ये चारों तरफ से पेंटिंग करके बीच में भाई लिखा हुआ है। तो अब अगर हम कोई मार्केट से आपको या किसी ऑनलाइन पोर्टल से जो महंगी वाली प्लास्टिक कोटेड राखियाँ होती है और जब इस राखियों में आपको देखेंगे कि हाथ से लिखा हुआ है तो इसमें जो अपनापन झलकता है वो उन राखियों में नहीं झलकता है। क्या कीमत है मैम इन राखियों की अगर बात करें तो? जैसे ये है ये 35 की है, ये आपको 45 की है। इस तरह से जो हमारी हैवी रेंज की राखियाँ हैं वो तो काफ़ी डिमांड में थी, अभी निकल चुकी हैं लेकिन अभी भी बन रहा है, प्रोग्रेस में। हाँ तो कितने इस बार आपका टारगेट राखियों का सप्लाई करने का इस बार? देखिए टारगेट तो मेरा ये है कि राखियों का नंबर के अलावा इनका जो सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा सा बढ़े और ये इंडिया के हर कोने में हमारी राखियाँ हमारे यहाँ की बनाई हुई राखियाँ जाए। तो मेरा तो टारगेट है कि कम से कम इस बार मैं लगभग 5,000 से 10,000 तक राखियों का। एमसील नहीं क्यों आपने चुना? एमसील ऐसा क्या कारण था कि एमसील और तमाम चीज़ें जो आपने लगाया? एमसील इसमें सबसे बड़ी बात कि इन सब चीज़ों में प्लास्टिक नहीं होता, इसके अलावा गोबर से भी राखियाँ बनती है जो अभी हमारे यहाँ की निकल चुकी हैं बहुत सारी। तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक वाला चीज़ नहीं है और ये इजिली डिस्पोजेबल है, अगर हम इसको किसी मिट्टी में भी डाल दें तो ये आपको कहीं भी कुछ भी इसका नुकसान नहीं होगा। इको फ्रेंडली चीज़ें, इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये। इको फ्रेंडली चीज़ें भी एक कॉन्सेप्ट थी इस राखियों को बनाने के। कैसे अवेलेबल हो पाएगा जो लोग ये लेना चाहें? जो लोग ये लेना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आवरण स्वैग के नाम से मेरा पोर्टल है और इसके अलावा फेसबुक पे भी आवरण के नाम से है। इसके अलावा मैं अपना जो आवरण का नंबर है वो शेयर कर रही हूँ, 7543909219। ये मेरे कंपनी आवरण का नंबर है, वहाँ से भी आप व्हाट्सअप करके राखियाँ मंगा सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है? ऑफलाइन ये पुरानी बाज़ार में अवेलेबल है। पुरानी बाज़ार में कहाँ परचेज करना होगा? पुरानी बाज़ार में मेरा ये आवरण का काउंटर है विद्या विवाह भवन के पास।